पूरा घर जला हुआ, बच्चों को फूंक देते अगर नहीं पकड़ लेते, दो दो गाड़ी मेरी फूंकी हुई, पूरा मार मारे हैं साहब। हम लोगों की कोई गलती नहीं भैया, हम लोग उस गांव से 3 किलोमीटर पीछे रहे, कोई लेना देना है बस मुसलमान है, बस ये लेना देना, मुसलमान के नाम पे लोग मार रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा दोस्तों, वो सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ जो सच्चाई आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। बिल्कुल दोस्तों, बहराइच में जो हिंसा भड़की हिंदुओं और मुसलमान के बीच, मुसलमानों के घरों को, उनके गाड़ियों को, साथ में हॉस्पिटल चला रहे थे लखनऊ नाम से, लखनऊ हॉस्पिटल नाम से शोरूम, मोटरसाइकिल जो शोरूम होता है उसको भी आपके हवाले कर दिया गया। और एक बेहद ही दोस्तों वीडियो दिखाऊं जिसमें एक नौजवान कह रहा है कि मेरे बच्चे सबको जलाने भी जा रहा था, तो उन्होंने बच्चे को लेकर भागे, उनके घर को आग के हवाले कर दिया नफरती चिंटुओं ने। इस तरह से एक गोपाल मिश्रा नामक एक नौजवान जो कि 6 महीने पहले शादी किया था, हिंदू भाई का जान गया है, लेकिन उसके दिमाग में जहर भरा गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर दिया है इन बड़े बड़े नेताओं ने, इन नफरतबाजों ने, इसलिए उसकी जान गई। उसके बूढ़ी माँ, उसके बूढ़े पिता, उसकी विधवा बीवी का क्या होगा बताओ? तुम लोगों की वजह से आज उसका सब कुछ छिन गया, कौन होगा उसका बुढ़ापे का सहारा? दोस्तों सुनिए, शर्मा जी ने हकीकत बताई है, बहराइच का असली जो सच है ना, गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी, यूट्यूबर ही दिखाएंगे इस तरह के। तो देखिए आप लोग, बहराइच की वीडियो सामने आ रही है, उसके घर के आगे से जुलूस निकल रहा है, बंदा एक उसके घर में घुस के उसका जो हरा झंडा है, जो उसका धार्मिक झंडा है, उसे उसने तोड़ दिया, उसे गिरा दिया, उसके साथ साथ उसकी ग्रिल भी गिर गई, उसके बाद अपना भगवा झंडा मारे ला रहा है। क्या क्या मतलब होता है इस चीज का भाई? किसी के घर में घुस के तुम उसके घर पे प्राइवेसी उसकी भंग करोगे? क्या समाज को संदेश देना चाहते हो कि किसी के भी घर में घुसने की तुम्हें परमिशन मिल गई? किसी ने अपना अगर झंडा ले रखा है अपने मन मर्जी का, तो वो तुम तोड़ के गिरा दोगे? अपना झंडा ले रहा होगे तुम उसके घर पे कब्जा करने की कोशिश में हो गया? क्या चाहते हो? तो उसके बाद दंगा भड़काई, जाहिर सी बात है, और प्रशासन यही चाहता था कि दंगा भड़के, लगातार भड़काऊ नारे लग रहे थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला कि भड़काऊ नारे लग रहे हैं तो इन्हें चुप कराया जाए किसी को। पुलिस वाले देख रहे हैं, उस तमाम मीडियो में पुलिस वाले आराम से इधर से उधर कंधों पे बंदूक टांगे घूम रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उस भीड़ को एक तरफ कर सके, किसी तरह साइड में कर सके, कोई नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी, पुलिस कहीं से कंट्रोल करती नजर नहीं आ रही उस मुद्दे को। जब मुद्दा भड़क गया पूरी तरह, अच्छी तरह जब आग फैल गई, अब जाके पुलिस वालों के बयान आ रहे हैं कि हम दंगा नहीं भड़कने देंगे, और डीजीपी की छोटी सी वीडियो वायरल हो रही है 6 सेकंड की, हाथ में पिस्टल लिए घूम रहे हैं कि ठोक देंगे। उनका भी भाषा यही है, ठोक देंगे, किसको ठोकोगे? ठोकने का काम तो तुम्हारा पहले था, पहले नेस्तो नाबूदों के चला करो। आज से 20-50 साल हो गए यहाँ पे हमारे पुरानी दिल्ली से, लगातार जब रामलीला के दिनों में यहाँ से सवारी निकलती है, फतेहपुरी मस्जिद के पास से होती, बल्ली मारान से होती हुई, जामा मस्जिद के पास से, नई सड़क से होती हुई, लगातार हौजकाजी होती हुई, वापिस आके खत्म होती है। आज तक कभी कोई सवारियों में किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई, दुनिया दोनों तरफ खड़ी होकर देखती थी। अब तो शायद पता नहीं हो रही है, बंद होगी, निकल रही है अब तो, अभी भी कम निकलती है अब तो, पहले डेली निकलती थी, लेकिन वहां पे क्या होता है, लगातार घर के आगे से निकलती है और जोश वाले भरे नारे, मुसलमानों को काट दो, मुगलों को काट दो। अरे भाई, मुगली थोड़े मुसलमान थे, ये तो देखो इतिहास तो पढ़ के देखो, पर इनका तो सीधा सीधा एक समझा दिया गया, मुगल मतलब मुसलमान, मुगलों ने किसको हराया था? मुगलों ने भी तो मुसलमान शासक को ही हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, पर वो नजर नहीं आएगा इन्हें। एक वो सीधा सीधा नैरेटिव पकड़ रखा है कि इनको काटो और बांटो और ये करो। आपने बोला कि जब लाउडस्पीकर चल रहा था तभी तो ध्यान देना चाहिए ना, लाउडस्पीकर में क्या बज रहा था? बिल्कुल ठीक बात है, भड़काऊ नारे बज रहे हैं, भड़काऊ गाने बज रहे हैं, और बार बार हर बार इसी तरह की रैलियों में नारे लगते हैं, जो बाबर तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटा दो बाबर का, तो भाई क्या मतलब है इस चीज का? तुम्हें अपनी अपनी आस्था प्रदर्शन करनी है, अपनी आस्था प्रदर्शन करनी है, तो अपनी आस्था के बात लो, भजन गाओ, अपने आराम से राम राम करते हुए यात्रा निकालो, दुर्गा यात्रा निकाल रहे थे तुम, दुर्गा चालीसा पढ़ो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, क्या जरूरत है तुम्हें दूसरे को प्रोवोक करने की भाई? जब ऐसे करोगे तो दंगा भड़के गए, और प्रशासन ने क्या, वहां का शासन ही यही चाहता है कि दंगा भड़के, आने वाली सीटों में जो है चुनाव है, जो 10 सीटों पे वोट गोल बंद होगा तो हमें मिलेगा, सीधी सी बात है, वही वो चाहते थे, वही उनकी मंशा पूरी हो गई। प्लानिंग की तरीके से हुआ है क्या? प्री प्लानिंग ही होती है, अब इसमें मारा कौन जाता है? ये तो देखो ना, हर आम आदमी को मैं बार बार यही अपील करता हूँ, भाई नेताओं के बहकावे में मत आओ, इनके चक्करों में मत पड़ो। गृहमंत्री जिनके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनका बेटा तो जैसा बैठा हुआ मौज ले रहा है, आईसीसीआई का अध्यक्ष भी बन गया, उससे पहले बीसीसीआई का अध्यक्ष भी बन गया, और तुम क्या कर रहे हो? तुम जाके लोगों के झंडे गिरा रहे हो, बाद में तुम गोली खा रहे हो, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा घर परिवार तो रुल गया, अब 2-4 दिन तो सारे नेता मिलकर रोटियां सेक लेंगे, इस लाश की राजनीति, इसके ऊपर लाश के ऊपर राजनीति कर लेंगे, उसके बाद तुम्हें कौन पूछने आ रहा है? 2-4 जगह फंड रिजर्व हो जाएंगे, फंड खा के बैठ जाएंगे, पीड़ित के लिए न्याय तो हम इसके लिए फंड इकट्ठा करो, सोशल मीडिया पे कैंपेन जन जाएगा, लाखों रुपए बटोर के घर में लेके बैठ जाएंगे, और उसके बाद वो पीड़ित अपना घूमता रहेगा। 2002 के गुजरात दंगों का याद है आपको, गोधरा कांड में अशोक जो था, अशोक परमार नाम था उसका, जिसे राजू मोची भी कहा जाता है, उस वक्त भी मोची था, पोस्टर बॉय बना, तलवार उसके हाथ में थी, माथे पे उसके श्री राम का पट्टा बंधा हुआ था, और उसने बढ़ चढ़ के दंगों में हिस्सा लिया, उसका खूब बुनाया गया, आज भी वो बैठा हुआ अपने जूते सही कर रहा है, आज भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। उत्तर पूर्वी दंगे देखो, दंगे बढ़ गए थे, एक देवेंद्र यादव नाम का लड़का था जिसे पहली बार सबसे पहली सजा उसी को मिली है, 5 साल की सजा मिली, दिहाड़ीदार मजदूर था, सारे उसका फैमिली बिखरी पड़ी है। ये तो बहकावे में आके लोग तो आके कर जाते हैं कांड, नेता तो अपनी मौज लेने बैठे हुए। यूपी में जो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर काबू में है, और योगी जी के राज में इस तरीके के हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कहते हैं कि
बहुत अच्छा हो गया है पहले से। हाँ जी, तो ये आपको अच्छा तो दिख ही रहा है ना कि सड़कों पे जुलूस निकल रहा है, लगातार लाठियां भांजी जा रही हैं, लगातार लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। वहाँ पे एक होंडा का शोरूम था, हीरो होंडा की गाड़ियों का शोरूम, उसको तक को जला दिया, उसे भी जला दिया। क्यों भाई, उसने कौन सा, हाँ क्या भला, ये बताओ ना, आ जाओ, हाँ बताओ बताओ, हीरो होंडा का शोरूम जला दिया, क्या भलाई है उसमें, आओ ना, अरे इधर आके बात करो ना, पीछे के पीठ पीछे देखो, हैसियत हैसियत देखो इनकी। हकीकत ये है, आपने बोला जब बुराई, सुनिए तो सही, हकीकत ये है जो मैंने 30 को 30 दिन देखता हूँ, इनके पास इतना टाइम है तो केवल इसी चीज का चर्चा करते हैं, इसके बारे में चर्चा करना बुरा। क्या एक बात बताइए, इतने बेवकूफ है जो जीता रहा है मोदी को, एक ये शख्स ऐसे है जो कहते हैं जो सबसे बड़ी कमी उसी में है आपके, मैं बता रहा हूँ ना कितने बेवकूफ है, तो बेवकूफ ऐसे ही है, हीरो होंडा के शोरूम में आग लगी फिर भी ये मोदी को वोट देंगे, मणिपुर की देखो, मणिपुर की बहन बेटी आ गया फिर भी मोदी को वोट देंगे, चैनल चलाना है मणिपुर के, अरे मेरे चैनल कोई नहीं है, मेरी बात सुनो, मुद्दे की बात, मणिपुर में बहन बेटियों का नंगा हुआ है फिर भी वोट दोगे ना? हाँ जी, एक मिनट, भाई साहब जवाब नहीं, जवाब इनसे लेना जरूरी। माननीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री से जवाब मांगो कि देश का इतना बुरा हाल कहते हैं, मोदी जी से नहीं मांगो। ये देखो अपने लोग कितने हैं, कितने खुश हो गए, इन्हें यही नहीं पता प्रधानमंत्री कौन है, अगर राहुल गांधी से जवाब मांगोगे ना, एक घंटा के बिल्कुल मुमकिन है, अगर राहुल गांधी से आप जवाब मांगोगे तो ये पूछे, और मोदी जी से किसी की दुनिया में किसी की हिंदुस्तान में औकात नहीं है कि मोदी जी से जवाब पूछ ले, और जो जवाब पूछेगा उसको कहते हैं ये भागते हैं जी। अब ये भाग गए, पूरी बात नहीं करी, अब इनसे ये पूछा, ये बात बताओ, इन्होंने साफ कह दिया मणिपुर की बहन बेटियों को नग्न परेड कराई जा रही है फिर भी ये मोदी को वोट देंगे, बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है फिर भी ये मोदी को वोट देंगे, फिर कहते हैं कि कौन बेवकूफ है जो मोदी को वोट दे रहा है, तो इन्हीं के जैसे बेवकूफ है जो मोदी को वोट देते हैं, जिन्हें ना बहन बेटियों से कोई मतलब, ना देश की अस्मिता से कोई मतलब, ना दंगे फसाद से कोई मतलब, इन्हें सिर्फ मोदी दिख रहा है, उसके काम दिख रहे हैं, और काम के नाम पे क्या है, हिंदू मुस्लिम में फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, और ये सपोर्टर उसी चीज के हैं, इन्हें कोई नहीं नजर आता कि किसी का घर उजड़ गया, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का भाई मारा गया, किसी का बेटा मारा गया, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इन्हें तो सिर्फ फिर कहते हैं कि कौन है, वो लोग बेवकूफ है, तो वाकई वो लोग ऐसे बेवकूफ, जाहिर सी बात है उपचुनाव की वजह से, और साथ में जो इनसे पहले भी इलेक्शन हरियाणा के निपटे हैं और जम्मू कश्मीर के निपटे हैं, इससे पहले लगातार तमाम नेताओं ने जो भड़काऊ बयान दिए थे, कटोगे तो कटोगे, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू अपनी रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाओ, लगातार तस्वीरें सोशल मीडिया पे लोगों की वायरल हो रही हैं, जो इसको सपोर्ट करने वाले हिंदू करने वाले लोग हैं, एक हाथ में तलवार ले रखी है और अपने घर में शस्त्र रखा है कि नहीं, शस्त्र भी उठाओ, शास्त्र भी उठाओ, क्यों उठाएं शस्त्र भाई, क्या बात है शस्त्र उठाने के लिए, शस्त्र उठाएगा कौन, हमारे सैनिक उठाएंगे शस्त्र, अगर बॉर्डर पे हमारे साथ परेशानी तो सैनिक शस्त्र उठाएंगे, हम अपने घर घर में किसके लिए शस्त्र उठाएं, पड़ोसी के लिए शस्त्र उठाएं, अपने साथ रहने वालों के लिए शस्त्र उठाएं, उनसे मेल जोल नहीं बढ़ा सकते, उनसे भाईचारा नहीं बढ़ा सकते, क्या बात नहीं कर सकते, उनके लिए शस्त्र क्यों उठाएं, लेकिन वहाँ हमेशा लगातार भड़काऊ ये चल रहा है, शस्त्र उठाओ नहीं तो फट जाओगे, नहीं तो कट जाओगे, आज आप सोशल मीडिया उठा के देखो, अभी आप दूसरा उदाहरण देता हूँ, अभी एक वो जो सिद्दीकी साहब को मारा गया है, एमपी थे कांग्रेस के, मंत्री भी रह चुके हैं, उनको मार दिया गया, तो इनके राइट विंग वाले जितने सपोर्टर हैं बीजेपी के, सारे सपोर्टर क्या कर रहे हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई जो है उस गैंगस्टर को सही ठहरा रहे हैं कि हाँ बढ़िया काम करा उसने, तो अपने बाजू पे जय श्री राम गुजार रखा तो बहुत बढ़िया काम करा, उसका आउट अंदर से भगवाया तो बहुत बढ़िया काम करा, भाई जब अपराधियों का ऐसा महिमा मंडन करोगे तो फिर तुम्हारा घर बच जाएगा क्या, उनका तो काम अपराध करना है, वो तो ये देखते नहीं कि किसका मारा किसका नहीं मारा, मारने वाले को तो मारने वाले से मतलब होता है, मारने से उसे ये नहीं देखना होता कि वो अंधा है जवान है बूढ़ा है क्या है, सीधी सी बात है, शेर होता है उसे शिकार करने से मतलब है, ना उसे ये मतलब कि उसने भैंसा मारा, ना उसे हिरण मारा, या उसने खरगोश मारा, या उसने सोर मारा, उसे तो पेट भरना है, वही हालत इनकी है, वो सबको मारे जा रहा है और सारा राइट विंग आज बड़ी खुशियां मना रहा है, अरे वाह हिंदुओं का नया मसीह आ गया, अरे जाके चरण चूम लो उसके भाई, जाके तलवे चाट लो उसके, तो वही हालत है भाई साहब, भी बोल के गए कि कुछ भी हो जाए, हॉस्पिटल में आग लगा दिया, पूछो इनसे ऐसे लोगों की कौन सी मानसिकता भाई, हॉस्पिटल में लोगों का इलाज होता है, वहां जाके उसे आग के हवाले कर दिया, इससे तुम्हारे बदले पूरे हो जाएंगे, गलत काम तुम खुद करो, मेरे घर में कोई घुस के मेरे जबरदस्ती करके मेरा फर्नीचर तोड़ दे, मेरे घर में उपद्रव मचाएगा तो क्या मैं उसे आवाज नहीं उठाऊंगा, क्या मैं उसे मारूंगा नहीं, क्या मैं उसे घर से बाहर नहीं निकालूंगा, और जबकि वो भी पुलिस प्रशासन सामने खड़ा हुआ है, तो फिर आप कहते हो कि जंगल राज नहीं है, एक तरफ आप खुद जंगल राज लेके आ रहे हो और फिर कहते हो कि नहीं जंगल राज नहीं है, डबल इंजन की सरकार है जी, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया काम। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे शर्मा जी को, बहराइच में जो अभी जो हिंसा भड़की हिंदू मुस्लिम के बीच, उसके बारे सच्चाई बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर पुलिस वाले भी थे साथ में, लेकिन उसके बाद भी दंगा भड़की, क्योंकि ये लोग एक समझिए मूर्ति विसर्जन के लिए शोभा यात्रा में जो निकलती है, इनके धार्मिक यात्रा जो निकलती है, ये लोग तमाशा करने के लिए निकलते हैं, सिर्फ मुसलमानों को गालियाँ देने के लिए निकलते हैं, आखिर क्या ज़रूरत है भड़काऊ गाने बजाने के लिए, विवादित नारे लगाने के लिए, बताओ तुम अपने धार्मिक रैली निकाल रहे भाई, अपने धर्म का पाठ पढ़ाओ लोगों को, चालीसा पढ़ाओ, जो भी मंत्र आता है उसको पढ़ाओ लोगों को सिखाओ, वो सब करने के बजाय सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये सब क्या तमाशा बनाया है देश में बताइए, और शुरुआत करेगा ये लोग गाली देना मुसलमानों को,
तो जवाबी कार्रवाई में तो मुसलमान रोकने के लिए जाएगा ना, जब नहीं रुकोगे तो भड़केगा दोनों तरफ से, फिर क्या होता है लास्ट में मुसलमानों को जेल में भरा जाता है। बताइए कितनी अफसोस की बात है, अब तक दर्जनों मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया है लेकिन किसी हिंदू का नाम नहीं आया है। हिंदू तो नहीं कहूँगा मैं, नफरती चिंटू कहूँगा, क्योंकि हिंदू भाई ये भी है। देखिए शर्मा जी कितनी अच्छी बात बता रहे थे, तो ये है असल में सनातनी, ये असल में ग्रंथ पढ़ा है अपना, जो इनका जो धार्मिक ग्रंथ है ना, ये असल में पढ़ा है, ये ग्रहण किया है। लेकिन वो जो नफरती चिंटू है उसको किसी भी धर्म धार्मिक ग्रंथ से मतलब नहीं है, कोई किताब नहीं पढ़े होंगे वो, अपना अपना धर्म का किताब पढ़ेंगे ना तो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। आए दिन जो देश में हो रहा है, आए दिन ये लोग धार्मिक रैली में मुसलमानों को गाली देंगे, मारने काटने की बात करेंगे, ख़त्म करने की बात करेंगे। अरे जो बाबर आए थे वो बाबर कब का चले गए, कब का गुजर गए, दुनिया से चले गए वो, उसको लेकर के क्यों अभी तमाशा कर रहे हो? अगर उस वक्त ऐसा होता अगर, तो आज देश में तुम बचते, तुम्हारे दादा परदादा नहीं बचते, तुम कैसे आते दुनिया में? तो वो लोग तो ऐसा नहीं किए थे, पूरे देश में जो हुकूमत किया था वो लोग किसी को नहीं मारा करता था, लेकिन तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? उस वक्त जो लड़ाई हो रही थी, राजा राजा के बीच लड़ाई हो रही थी, तो हिंदू राजा जो थे उसके मुसलमान सेनापति थे, जो मुस्लिम राजा थे उसके हिंदू राजा सेनापति थे, ऐसे ऐसे थे, तो फिर हिंदू मुस्लिम की तो लड़ाई थी नहीं उसमें, उसमें थी राजा की लड़ाई। तो भाई और दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर के, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।